हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैशाली कैंपस में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की रिजल्ट के लेकर सबसे बड़ी धांधली इसमें हुई है। हम आपको 100% प्रूफ के साथ दिखाएंगे। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर अभी तक पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है जिसका रिजल्ट नहीं होने के कारण या इतने हाई कटअप जाने के कारण क्या है, हम आपको पूरा प्रूफ के साथ बताते हैं। तो चलिए, हम आपको प्रूफ दिखाते हैं कि इसमें देखिए सबसे बड़ी धांधली क्या हुई है। दोस्तों, एक कैंडिडेट का नंबर देख सकते हैं, इसका कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब हाइड कर दिया गया है क्योंकि ये कुछ क्लेम नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे इनका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बाद इनका नंबर आया है 109.24। चलिए, ये संभव है, संभव भी हो सकती है। अगर मान के चलिए इनके 92-95 नंबर अगर आ रहे होंगे तो नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ सकती है। लेकिन एक कैंडिडेट देखिए, एक यहाँ पे 148, ये बताइए ये अगर रॉ मार्क कितने लाए होंगे कि इनका 148 चला गया होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इतने नंबर लाना के मतलब है कि अगर 100 भी लाएंगे तो नॉर्मलाइजेशन में 48 नंबर बढ़ जाएंगे। ये सबसे बड़ी धांधली हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं, प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, इसका कुछ हाइट कर दिया गया है इन लोगों का। यहाँ भी देखिए 109, इनका भी इनका पीटी के लिए भी सिलेक्ट कर दिया गया है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी धांधली है, इनका भी पीटी के लिए सिलेक्ट है, इनका भी 109.33 है। तो ये प्रूफ के साथ देख सकते हैं, जो भी मुझे दो तीन ही अभी तक मिली है रजिस्ट्रेशन नंबर, जिससे मैं इसका आपका मार्क्स दिखा सकूं। तो आप लोगों को क्या करनी है, देखिए अब बहुत कटअप हाई जाने के कारण यही सब है। तो आपको करनी है, जितने भी ट्विटर अकाउंट है सभी पे जाके आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि इतने नंबर कैसे चले जाते हैं आरआरबी कोलकाता। जितने भी ट्विटर अकाउंट पे आप लोग ज्वाइन है सब जगह कमेंट करके बताइए, और कमेंट करके भी बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो मुझे भी कमेंट करके बताएं आप लोग कि आपके कितने कितने नंबर आ रहे हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग अपने अगर नंबर नहीं देखे हैं तो वहां से नंबर भी देख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में करके कमेंट में बताएं मुझे, और देख सकते हैं कि कितने बड़ी धांधली हुई है। इसी कारण है कि कटअप इतने, कोई भी जोन 70-70 प्लस जनरल की गई है, पटना जोन 76 इस समथिंग चला गया है। तो देख सकते हैं कि इतनी इतनी कटअप जाने के मतलब है कि धांधली बड़ी लेवल पे धांधली हुई है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जोर और कीजिए और आवाज़ उठाइए, नहीं तो ऐसे ही रिजल्ट फिर रह जाएगी। तो कुछ आप लोग के ही कारण फिर संभव है कि आगे कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं, सभी सोशल मीडिया पे वीडियो को वायरल कर दीजिए, जो भी ये स्क्रीनशॉट लीजिए इनका और शेयर कर दीजिए कि जिनसे सभी को मालूम चल सके, और सभी एक साथ मिलके कमेंट करके बताएं रेलवे अधिकारी को, जिससे सभी हो सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो उन अधिकारी के पास भी पहुँचे, जिनसे आप उनको समझ में आएगी इतनी कटअप कैसे जा सकती है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। तो अगर कोई भी डाउट है तो नेक्स्ट आप कमेंट में पूछिए, जैसे ही कोई अपडेट आता है तो हम आपसे फिर नेक्स्ट अपडेट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।